2019 को आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के जो थर्ड फेज है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत बिहार राज्य में जो 5 लोकसभा सीट्स हैं उसमें से एक 13 मधेपुरा लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव भी इसी चरण में होना है। इसमें जो नाम निर्देशन की अंतिम तारीख रहेगी वो 4 अप्रैल 2019 रहेगी। इसमें दोपहर में 3 बजे तक अपना नामांकन अभ्यर्थियों द्वारा किया जा सकता है। जो भी नाम निर्देशन किया जाएगा उसकी संवीक्षा की तारीख 5 अप्रैल रहेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2019 रहेगी। आज इसके जो पहला दिन था उसमें जो 13 मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान में सांसद हैं श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, उनके द्वारा 2 सीटों में अपना नामांकन भी किया जा चुका है। और इधर जो निर्वाचन को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई चल रही है उसके विषय में भी कुछ संक्षेप में बताना चाहेंगे। अब तक 20 जनवरी 2019 से अब तक कुल 1162 गिरफ्तारी की जा चुकी हैं। इसमें से 539 व्यक्तियों को जेल भेजा जा चुका है। जहां तक इलीगल वेपन्स के बरामदगी का इशू है तो जैसे 4 वेपन बरामद हो गए हैं, 5 कार्ट्रिज बरामद हुए हैं और शराब 948.84 लीटर 20 जनवरी से अब तक बरामद हुई है। जहां तक 948.84 जो आर्म्स लाइसेंस का इस प्रोसेस के लिए वेरिफिकेशन होता है उसके अंतर्गत कुछ 513 वेपन वेरीफाई किए गए हैं, 96 को जमा कराया गया है और 208 लाइसेंस कैंसिल किए जा चुके हैं। जो निरोधात्मक कार्रवाई है 107 CRPC के अंतर्गत, उसके अंतर्गत कुल अब तक 851 विभिन्न मामले दर्ज हुए हैं। इसमें कुल 10,820 लोगों को नोटिस किया जा चुका है और 3,759 लोगों को इसमें अब तक बंद पत्र ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जा चुका है। जहाँ तक जो नॉन बेलेबल वारंट्स की संख्या है जो 6 महीने से अधिक पेंडिंग के थे उसमें से 118 वारंट अब तक एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं। आज की तिथि में मात्र 81 पेंडिंग है और 6 महीने से कम अवधि वाले जो हैं वो 208 ऐसे वारंट एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं और मात्र 106 पेंडिंग है। क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कुल 83 मामले में प्रपोजल प्राप्त हुआ है जिसमें 39 मामलों में ऑर्डर पास किए जा चुका है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 30 कांड दर्ज कराए जा चुके हैं। वाहन चेकिंग में लगभग 7.5 लाख रुपए का फाइन अब तक इकट्ठा किया जा चुका है। सर भी कुछ आज कितने